देश में भले ही कोरोना के नए मामले की संख्या काफी कम हो गई हो, लेकिन दक्षिण भारत का राज्य केरल अभी भी चिंता का कारण बना हुआ है। केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 12,616 नए मामले सामने आए तथा महामारी से 134 और मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47,51,434 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या 25,811 पर पहुंच गई है। एक तरह से देश के कुल कोरोना मामलों में 50% से अधिक केरल से ही आ रहे हैं। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 24 घंटे में 14,514 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद 46,02,600 लोग ठीक हो चुके हैं और अभी 1,22,407 मरीज उपचाराधीन हैं। पिछले एक दिन में 98,782 नमूनों की जांच की गई। केरल भले ही कोरोना के मामले में चिंता का कारण बना है, लेकिन भारत में कोरोना के नए मामले की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 18,833 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 3,38,53,048 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 278 लोगों की कोविड से मौत हो गई है। अब तक देश में कोविड से कुल 4,49,538 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से जुड़े खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।